रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। जनाब, बहुत ही अफसोस हुआ जनाब, ये वाक़या जो सियालकोट में सानहा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको तफसील से सब कुछ बताऊँगा। लड़का जो था वो, उसका ताल्लुक कहाँ से था, वो कहाँ रहता था, और ये वाक़या किस बिना पे आया, कैसे ये वाक़या हुआ। तो टाइम था सुबह 5 बजे का, 5 बजे का टाइम था जनाब। हसनैन नामी लड़का बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ सियालकोट कैंट में एंटर हो रहा था, और सियालकोट KFC के सामने चेक पोस्ट है, वहाँ से जनाब लड़के की, नौजवान की गाड़ी जो है वो टकरा गई चेक पोस्ट के साथ। तो वो तकरीबन तबाह हो चुकी है, ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं ये सारी। और यहाँ पे लड़का जो हसनैन है उसकी गाड़ी टकरा गई। जो वाक़या है वो तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। धुंध बहुत ज़्यादा थी और शायद जो है वो नज़र नहीं आया। उधर स्पीड ब्रेकर भी बना हुआ है, और स्पीड ब्रेकर पे जैसे गाड़ी चढ़ी तो वो जाके सीधी टकरा गई चेक पोस्ट पे। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये हसनैन जो नौजवान है, इसका ताल्लुक जो है वो सियालकोट अस्करी 2 का रिहायशी है। सियालकोट अस्करी 2 में जनाब रिहायश पजीर था, और जो है वो सुबह सुबह से अपने घर की तरफ जा रहा था, तो ये हादसा पेश आया। तो बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत अफसोस वाकया था, जिसकी जिसके ऊपर पूरा शहर सियालकोट जो है वो अफसोस कर रहा है कि एक यंग नौजवान, ये पिक्चर आप देख भी रहे हैं, ये जवान था जनाब, 20 साल लड़के की उम्र थी, सियालकोट कैंट का रिहायशी था, सियालकोट अस्करी 2 में जो है वो रिहायश पजीर था। तो आप सब भी दुआ करें उसके लिए, बहुत दर्दनाक मौत हुई है और इतना खौफनाक हादसा। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी की हालत देख सकते हैं, और गाड़ी का जो इंजन है वो गाड़ी से तकरीबन जो जगह थी वहाँ से तकरीबन जो है वो कह सकते हैं कि 15 से 20 या 25-30 फीट जो है वो आगे जाके गिरा। इतना जोरनाक ये है, दर्दनाक और ज़ोरदार हादसा था। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि खुदारा गाड़ियों वाले जो गाड़ी चलाते हैं वो अपने आप को सेफ करके, धुंध होती है तो आहिस्ता गाड़ी चलाएं, ताकि आप लोगों की सेफ्टी हो सके, बचत हो सके, और आप लोगों की, अभी आपके घर वालों को, आपके मुल्क के पाकिस्तान को आपकी बहुत ज़रूरत है, ख़ासकर नौजवान तबके के लिए ये वीडियो है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये मैसेज मैं लाजमी मैं स्पेशल मैसेज दे रहा हूँ कि जनाब नौजवान तबके को जो ड्राइविंग करते हैं और ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं, खुदारा आप लोगों की, आपके माँ बाप को, आपके बहन भाइयों को, आपके रिश्तेदारों को, और आपकी अगर शादीशुदा हैं तो बीवी बच्चों को भी आपकी बहुत ज़रूरत है। तो खुदारा खुदारा अपना ख्याल रखें और तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।